नमस्कार, मैं सैफ आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन हुआ था उत्तर अमेरिका में पहले चेचक का टीकाकरण। 2 जून 1800 में उत्तर अमेरिका के ट्रिनिटी न्यूफाउंडलैंड में पहले चेचक का टीकाकरण किया गया था। 1796 में एडवर्ड जेनर ने इस बात की खोज की थी कि काउपॉक्स के फोड़ों से निकले पदार्थ के संपर्क में आने से लोगों को चेचक से सुरक्षा मिल सकती है। जेनर की खोज ने दुनिया भर में चेचक के टीके के निर्माण का वाणिज्यकरण कर दिया। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से चेचक के उन्मूलन की घोषणा 2 शब्दों में की थी कि चेचक समाप्त। आज ही के दिन 2014 में तेलंगाना बना था देश का 29वां राज्य। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। के चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चंद्रशेखर राव ही वर्तमान में भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए काफी संघर्ष किया था। तेलंगाना राज्य में पहले 7 जिले थे जो अब बढ़कर 31 हो गए हैं। आज ही के दिन मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट के लिए किया था आवेदन। 1895 में मार्कोनी ने अपने घर के बगीचे में रेडियो टेलीग्राफी के प्रारंभिक प्रयोगों का सूत्रपात किया था। इसके बाद मार्कोनी ने 2 जून 1896 को इंग्लैंड में रेडियो टेलीग्राफी का पेटेंट हासिल करने के लिए आवेदन किया था। सन 1901 में वह अटलांटिक महासागर के आर पार करीब 800 मील की दूरी तक रेडियो संकेत भेजने में सफल रहे। इस आविष्कार पर मार्कोनी को 1909 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इंग्लैंड के बादशाह और रूस के जार ने भी मार्कोनी को विशेष सम्मान प्रदान किया। आज ही के दिन हुआ था बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का निधन। 2 जून 1988 को बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर का निधन हुआ था। एक माह तक वह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मृत्यु से जूझते रहे। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी। अपनी ज्यादातर फिल्मों में मुख्य नायक वह खुद ही होते थे। नेहरूवादी समाजवाद से प्रेरित अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को रोचक अंदाज में पर्दे पर पेश करके राज कपूर ने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, उस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।